नमस्कार दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी है अक्षांश रेखाओं के बारे में, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। सबसे पहले देशांतर जो रेखाएं हैं उनकी संख्या है 360। अगर देशांतर रेखाओं की संख्या पूछे तो हमारा आंसर रहेगा 360। इसके विपरीत अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 180 होती है। ठीक है, अगर अक्षांश की बात करें तो वो होती है 180, अगर देशांतर की बात करता है तो वो कितनी है, 360 होती है। उसके बाद में जो देशांतर जो रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। इस प्रकार से ये जो है ना उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होगा तो उत्तर से जो है ना दक्षिण की तरफ इस प्रकार से खींची जाती हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या नाम देते हैं, देशांतर रेखाएं देते हैं। इसके विपरीत पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। उसके बाद में जो भारत का विस्तार है वो अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 2 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक है भारत। ठीक है, उसके बाद में अगर हम भारत का अक्षांश विस्तार देखें तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इतनी बात क्लियर होगी, ये भारत के बारे में बात थी। अगर भारत का जो है विस्तार पूछे देशांतर में तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 2 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अगर अक्षांश में बात करें तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उसके बाद में जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों पर मिलती हैं। ठीक है, ध्रुवों पर किस प्रकार से मिलती हैं, अभी ऊपर देखा था ग्लोब के अंदर देशांतर जो है ना उत्तर से जो है ना दक्षिण की तरफ इस प्रकार से खींची गई हैं, तो ध्रुवों के ऊपर मिलती हैं। और दो देशांतरों के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है वो कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो है ना अधिकतम दूरी होती है। और अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर की होती है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर की। इसके विपरीत दो अक्षांश के बीच में पूछे तो वो होती है 111 किलोमीटर की। ठीक है, दो अक्षांश के बीच की दूरी पूछे तो 111 किलोमीटर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछे तो 111.3 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम नाम देते हैं गोरे। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं और दो अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। दो अक्षांश के बीच की दूरी को जोन और दो अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं और दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर होती है। अगली बात हम करें तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके ऊपर जो है समय समान रहता है। ठीक है, देशांतर जो रेखाएं होती हैं उसके ऊपर क्या रहता है, समय समान रहता है। इसके विपरीत अगर अक्षांश रेखा पूछे तो अक्षांश रेखा के ऊपर जलवायु समान रहती है। तो अक्षांश रेखा के ऊपर जो जलवायु है वो समान रहती है और देशांतर जो रेखाएँ होती हैं उनके ऊपर क्या रहता है, समय समान रहता है। ठीक है, ये जो है ना भारत का विस्तार है, भारत का नक्शा है। अगर अक्षांशीय विस्तार पूछे भारत का तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट जो है ना उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन अगर देशांतरीय विस्तार पूछे तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरुआत होकर के 97.25 पूर्वी देशांतर तक है भारत का विस्तार। ठीक है, भारत के बीच से जो है ना कर्क रेखा जाती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और उसका दूसरा नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है।
कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दूसरा नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत के जो है ना 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं? पहला गुजरात है, गुजरात के बाद में ऊपर वाला राजस्थान है, फिर जो है ना एमपी है, फिर जो है ना छत्तीसगढ़ है, फिर जो है ना झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, और फिर लास्ट में मिजोरम है। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर के बारे में। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा व ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री जो देशांतर है ये लंदन के GMT वैधशाला से, GMT की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो 0 डिग्री देशांतर लंदन की GMT ग्रीनविच मीन टाइम से होकर के GMT वैधशाला से गुजरती है। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन की GMT ग्रीनविच मीन टाइम वैधशाला से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर को हम नाम देते हैं प्राइम मेरिडियन। इसी प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा नाम देते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन नाम दिया जाता है। उसके बाद में अगली बात आती है 180 डिग्री देशांतर के बारे में। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब ध्यान दो, 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर ऐसी एकमात्र रेखा है जो सीधी नहीं है, ठीक है। देखो किस प्रकार से, ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा, देखो किस प्रकार से आई हुई है, ये देखो इस प्रकार से आई हुई है, ठीक है। ये जो है ना इस प्रकार से इसका कुछ जो है ना फैलाव है। तो एकमात्र ऐसी अक्षांश रेखा जो सीधी नहीं है, तो हमारा आंसर रहेगा 180 डिग्री देशांतर। और 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को ही टेढ़ा क्यों किया गया है? तो किसी भी लैंड मास से न गुजरे, इस कारण जो है उसको क्या किया गया है, टेढ़ा किया गया है, ठीक है। वो देखो किस प्रकार से है, जैसे ये देखो ग्लोब में ये जो मुख्य हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इतना ये हिस्सा रूस का। अगर मान लो इसको यहाँ से जो है सीधा कर दिया जाता इस प्रकार से सीधा, तो ये रूस को जो है दो हिस्सों में काट देती, ठीक है। रूस को क्या कर देती, दो हिस्सों में काट देती, और एक ही देश के अंदर एक ही समय पर दो अलग अलग तिथि हो जाती। क्या हो जाती, दो अलग अलग तिथि हो जाती। तो इसी कारण जो है किसी भी लैंड मास से न गुजरे, इसलिए जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको टेढ़ा किया गया है। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पर कि जो पूरब होता है, जो ईस्ट है, पूरब होता है, वो पूरब जो होता है वो पश्चिम से एक दिन आगे चलता है। पूरब जो होता है वो पश्चिम से एक दिन आगे चलता है, ठीक है। अगर पूरब के अंदर देखो, यहाँ पर अगर जो है ना मंडे है, तो यहाँ पर क्या है, संडे है। जो पूरब है यहाँ पर देखो, वेस्ट है ये, वेस्ट। तो जो पूरब होता है वो पूरब जो है वो पश्चिम से क्या होता है, एक दिन आगे चलता है। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद में 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको 1884 में वाशिंगटन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884 में वाशिंगटन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। यह है जो रेखा है यह बेरिंग जलसंधि के समानांतर है, बेरिंग जलसंधि। अब जो बेरिंग जलसंधि है वो यहां पर देखो, यहां पर है बेरिंग जलसंधि, यहां पर ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये पानी का, ये बेरिंग जलसंधि है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये है उत्तरी अमेरिका, ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। और ये हिस्सा है एशिया का, जो है ना यूरोप का है, एशिया का, यूरोप इसका, सॉरी एशिया का है, रूस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, रूस का, एशिया के अंदर रूस का हिस्सा है, ठीक है। तो बेरिंग जलसंधि के ये समानांतर है। बेरिंग जलसंधि उत्तर अमेरिका और एशिया को अलग करती है, बेरिंग जलसंधि उत्तर अमेरिका और
एशिया को। अगर देश पूछे ना तो यहाँ पर देश रूस है और यहाँ पर है अलास्का, ठीक है। अलास्का और रूस को अलग करने का काम कौन करती है? बेरिंगे जलसंधि, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है, ठीक है, वो क्या है? बेरिंग जलसंधि के समानांतर है। उसके बाद में तो अंतर्राष्ट्रीय समय तो हो गया 0 डिग्री देशांतर से। अब भारत का जो समय है वो लिया गया है 60 डे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से। किससे लिया गया है? 60 डे 82 डिग्री कौन सी? पूर्वी देशांतर, ठीक है। 60 डे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। 60 डे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनीहाल गांव से गुजरती है। जो 60 डे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनीहाल गांव से गुजरती है, या कहें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनीहाल गांव से गुजरती है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अब देखो 5.5 घंटे आगे किस प्रकार से है। मान लो यहाँ पर है ये 0 डिग्री और यहाँ पर आते हैं हमें तो ये है 60 डे 82 डिग्री आगे है, ठीक है। कितने डिग्री आगे है? 60 डे 82 डिग्री आगे है। 1 डिग्री घूमने में समय लगता है 4 मिनट का। 1 डिग्री घूमने में समय कितना लगता है? 4 मिनट का। तो 82.5 की गुणा करते हैं 4 मिनट से। देखो 1 डिग्री घूमने में समय लगता है 4 मिनट का। क्लियर है बात इतनी? उसके बाद में तो 60 डे 82 डिग्री घूमने में, 60 डे 82 डिग्री घूमना है और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो ये आता है कुल 330। इसकी गुणा करते हैं तो कितना आता है? 330 मिनट हो जाती हैं। तो 330 मिनट के अंदर हो गए 5 घंटे और 30 मिनट, तो 5.5 घंटे हो जाते हैं। कितना समय हो जाता है? 5.5 घंटे का जो है समय हो जाता है यहाँ पर। क्लियर है बात इतनी? 5.5 घंटे का समय हो जाता है। तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से कितने घंटे? 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनीहाल गांव से गुजरती है। उसके बाद में भारत के जो है ना सर्वाधिक पूर्व, ये वाला हिस्सा जो सर्वाधिक पूर्व के अंदर है अरुणाचल प्रदेश, वह सर्वाधिक जो है ना पश्चिमी गुजरात का हिस्सा, ठीक है। इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। तो एक ही देश में एक समय पर दो अलग अलग समय को खत्म करने के लिए हमने क्या लिया है यहां पर? 60 डे 82 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर को मानक समय लिया गया है, मानक समय माना गया है, ठीक है। तब 2 घंटे का विस्तार किस प्रकार से हुआ अंतर यहां पर? ये देखो, अगर अरुणाचल प्रदेश है और यहां पर गुजरात है, तो गुजरात शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से और भारत जो ना खत्म होता है 97 डिग्री 2.5 मिनट के ऊपर खत्म होता है। तो यहां पर जो है ना लगभग 29 पॉइंट कुछ का अंतर आता है, तो उसको हम मान लेते हैं 30 का अंतर। 30 गुणा में 30 देशांतर का अंतर आ गया और एक देशांतर घूमने में समय लगता है 4 मिनट का। 30 चौके 120, तो 120 मिनट का अंतर हो जाता है यहां पर, ठीक है। तो भारत का सर्वाधिक पूर्वी और जो है पश्चिमी हिस्से के बीच में कितने समय का अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। क्लियर है बात इतनी? उसके बाद में अब यहां पर देखो वो 4 मिनट का अंतर होता किस प्रकार से है। पृथ्वी जो है उसको कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24 टाइम जोन के अंदर बांटा गया है, ठीक है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक जोन कितने डिग्री के बराबर है? 15 डिग्री के। 15 डिग्री के बराबर किस प्रकार से होता है? कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, पृथ्वी को बांट दिया 24 जोन के अंदर, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 15 डिग्री। एक जोन बराबर होता है कितने डिग्री? 15 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर दूरी बढ़ती है। देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों के ऊपर मिलती हैं, इस प्रकार से खींची जाती हैं। तो जब भी हम भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तब इनके बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। क्लियर है बात इतनी? दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। दूरी पूछे तो 111.3 किलोमीटर की होती है और इनके बीच की दूरी को गोरे नाम दिया जाता है। अब वो देखो किस प्रकार से होती है। कुल जो है टाइम जोन कितने हैं? 24। 1 घंटे के अंदर है
60 मिनट, तो कुल मिनट हो जाती हैं 1440, ठीक है 1440। देशांतर कितनी है 360, 1440 को अगर 360 से भाग देते हैं तो वो आता 4 मिनट के बराबर। कितने मिनट के बराबर आता है? 4 मिनट के बराबर आता है, ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, और 1 घंटे में 15 मिनट का, वो यहां से निकाल लो। चाहे 1 डिग्री घूमते हैं कितने मिनट में? 4 मिनट में। 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती हैं? 60, तो 60/4 बराबर है 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रत्येक जो जोन होता है वो 15 डिग्री के बराबर होता है, और कुल पृथ्वी के अंदर 24 टाइम जोन है। दो देशांतरों के मध्य जो है 4 मिनट का क्या होता है? अंतर होता है। उसके बाद में यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर पूछा गया है कि जो 0 डिग्री देशांतर है, यह है 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री जो देशांतर है वो किस किस से होकर गुजरती है? सबसे पहले यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से गुजरती है, फिर फ्रांस से गुजरती है, फिर स्पेन से, फिर जो है गाना से, फिर जो है अल्जीरिया से, फिर लास्ट में अंटार्कटिका से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 0 डिग्री देशांतर किस किस देश से होकर गुजरती है, तो यूनाइटेड किंगडम यूके से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है, गाना से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है, और अंटार्कटिका से गुजरती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ही आता है कि मान लो इस तरफ से जो है ना वो आ गई 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश आ गई, तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों कहाँ पर काटते हैं? तो वो काटते हैं गिन्नी की खाड़ी में। कहाँ पर काटते हैं? गिन्नी की खाड़ी में काटते हैं। यहाँ पर देखो वो किस प्रकार से, ठीक है। ये जो गई है इस प्रकार से नीचे की तरफ, ये है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री क्या है? देशांतर है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर और भूमध्य रेखा, या कहें 0 डिग्री अक्षांश, दोनों कहां पर काटते हैं? तो गिन्नी की खाड़ी में। पहला क्वेश्चन, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहां पर काटते हैं? गिन्नी की खाड़ी में। 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा दोनों कहां पर काटते हैं? अल्जीरिया के अंदर। कहां पर काटते हैं? अल्जीरिया के अंदर। 0 डिग्री देशांतर और मकर रेखा कहां पर काटते हैं? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश कहां पर काटते हैं? गिन्नी की खाड़ी के अंदर। 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा कहां पर काटती हैं? अल्जीरिया के अंदर। 0 डिग्री देशांतर और मकर रेखा कहां पर काटती हैं? अटलांटिक महासागर के अंदर काटती हैं। 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब देखो 3-4 क्वेश्चन यहां पर हैं। उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? जापान को। डूबते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को। मध्य रात्रि का सूर्य नार्वे को कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? 21 जून को। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 20 जून को राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत में जो है सबसे पहले सूर्य कहां पर दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में, उगते सूर्य का देश सबसे पहले किस देश में सूर्य दिखाई देता? तो जापान में। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य नार्वे को कहा जाता है। नार्वे को जो है मध्य रात्रि में सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद में तो ये जो है हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ लिया है। अब हम MCQ की बात करते हैं जो लूसेंट की किताब के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जो है MCQ हैं जो लूसेंट के अंदर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, ठीक है। देखो ये मान लो भूमध्य रेखा, इससे अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो उत्तर है, नीचे की तरफ चलते हैं तो दक्षिण है, ठीक है। उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? एक बात बताओ, पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो उत्तर या दक्षिण में खींची जाती हैं, उत्तर या दक्षिण में, ठीक है। और उनका कोण भूमध्य रेखा से बनाया जाता है, इस प्रकार से जो कोण होता है, ठीक है। सूर्य उसके केंद्र से मानकर, पृथ्वी के केंद्र को मान करके जो कोण भूमध्य रेखा के ऊपर बनता है वही माना जाता है। मान लो यहाँ पर बन गया 1 डिग्री, तो ये होगी 1 डिग्री। यहाँ पर बन गया 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री अक्षांश होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए कोणीय दूरी का कहलाती है। कोणीय दूरी तो क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के या तो उत्तर में या दक्षिण में जो भी कोणीय दूरी से जो भी रेखा खींची जाती है उसको हम अक्षांश कहते हैं। क्या नाम देते हैं, अक्षांश। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त वर्त है। वृत्त मतलब सबसे बड़ा सर्कल का उदाहरण है, तो सबसे बड़ा सर्कल बताया था आपको, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, भूमध्य रेखा है। कौन सा है, भूमध्य रेखा, सबसे बड़ी रेखा है भूमध्य रेखा। बाद में ऊपर की तरफ चलते हैं ना तो आकार छोटा होता चलता है और लास्ट में जो ना बिंदु के समान पहुंच जाता है। तो सबसे बड़ा वृत्त पूछे तो कौन सा है, तो भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा। उसके बाद में तीसरा पूछा गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। तो आपको बताया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं, कर्क रेखा को। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसको कहते हैं, मकर रेखा को। कर्क रेखा का दूसरा नाम होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो अभी बताया था सबसे बड़ा वृत्त होता है भूमध्य रेखा। अगर ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो ये आकार क्या रहता है, घटता रहता है और ध्रुव के ऊपर जो है बिंदु के समान होता है। तो अगर हम जो है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास क्या होता है, घटता जाता है, घटता रहता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, मिलान करना इनका। ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को नाम देते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। आर्कटिक रेखा तो 66.5 डिग्री उत्तर को, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। अंटार्कटिका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा 3, 4, 5, 3, 4, 5, 2, 1 ऑप्शन रहेगा बी। कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन ए बी रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो अभी बताया है दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर की होती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आपको बताया था भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो उसके सिवा कोई भी अक्षांश नहीं है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते। तो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए डी का रहेगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। तो कहाँ से होकर गुजरती है, अब क्वेश्चन आ गया कि कौन से देश से होकर के जो है मकर रेखा गुजरती है। भारत से नहीं गुजर सकती क्योंकि भारत से कर्क रेखा जाती है। ग्रीनलैंड से नहीं गुजरती क्योंकि ये जो है ना उत्तरी अमेरिका और जो है ना यूरोप के मध्य पड़ता है, ग्रीनलैंड ऊपर की तरफ है। जिम्बाब्वे से नहीं जाती, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, मालागासी। अगर आपको मैप याद है तो यमीन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मकर रेखा जो है ना किससे होकर के गुजरती है, मालागासी से होकर के गुजरती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती क्या कहलाती है। आपको बताया है सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों की दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम कौन करती है, भूमध्य रेखा करती है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण पर बिंदु का कोणीय दूरी है जो। अब देखो कोणीय दूरी आपको बताया था, ये भूमध्य रेखा के सेंटर से जो है ये 1 डिग्री बना तो 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री बना तो 2 डिग्री अक्षांश, इस प्रकार से खींच दी, 2 गई यहाँ से 23.5 गई तो ये 23.5 होगी, यहाँ से कौन 66 बनाती है, 66 होगी। तो कहाँ से होती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती हैं। कहाँ से मापी जाती हैं, भूमध्य रेखा से मापी जाती हैं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। अब देखो देशांतर रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाने का काम करती हैं।
अब यहां पर जो इस प्रकार से कौन सी गई, अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखाओं को तो समकोण 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, लेकिन ध्रुवों पर, ध्रुवों को जो है मिलाने का काम करती हैं, ध्रुवों को जो है मिलाने का काम करती हैं। तो हमारा आंसर रहेगा कौन सी रेखा, देशांतर। क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो दो देशांतर को गोरे के नाम से और दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है और दूरी होती है 111.3 किलोमीटर की। दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर की होती है, किलोमीटर, ठीक है, 111.3 किलोमीटर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल होता है, तो समय अंतराल कितना होता है, 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का होता है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में समय अंतराल 4 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। तो आपको बताया था भूमध्य रेखा पर दिन व रात दोनों समान अवधि के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन करा रखा आपको, क्वेश्चन कराया था कि जो है पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान या सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर। सबसे ज्यादा वर्षा भी कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर। डोलड्रम क्षेत्र बताया था आपको, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम डोलड्रम दबाव क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चार कथन दिए गए हैं, उनके अंदर कौन सा गलत है। देशांतर रेखाओं की संख्या 180 होती है, तो यही गलत हो गया। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 17 का पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है। सही है, विषुवत रेखा से असत्य है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। कथन पूछा गया असत्य कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है असत्य है। ऑप्शन बी दिया गया है, किसी भी स्थान की प्रधान यम उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। यह गलत हो गया। अभी क्वेश्चन बताया था आपको, अक्षांश क्या होती है, भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का क्या कहा जाता है, अक्षांश। तो ऑप्शन रहेगा बी, कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, दो देशांतर के बीच में पूछे तो 111.3 किलोमीटर की, 111.3। अगर अक्षांश के बीच में पूछे तो हमारा आंसर रहेगा 111 किलोमीटर का। तो दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर और दो देशांतर के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी, देखो देशांतर इस प्रकार से होती हैं, तो ध्रुवों के ऊपर मिलती हैं, तो मैक्सिमम दूरी कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर। तो हमारा आंसर रहेगा भूमध्य रेखा कहें या फिर विषुवत रेखा कहें, ऑप्शन सी। कुल अक्षांशों की संख्या है, तो अक्षांशों की संख्या है 180। अक्षांश कितनी है, 180 है। क्वेश्चन नंबर 21, देशांतरों की संख्या कितनी है। तो देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 है। देशांतरों की संख्या पूछे तो कितनी रहेगी, 360। क्वेश्चन नंबर 22, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। अब देखो एक बात, क्वेश्चन पूछा गया है विषुवत रेखा, ये मान लो भूमध्य रेखा है, रेखा के समानांतर इस प्रकार से जो समानांतर जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो विषुवत रेखा के जो समानांतर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाएं उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ खींच जाती हैं, उत्तर ध्रुव से लेकर के
दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधान मध्यान रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? तो आपको लिखवाया था ना पीछे, ये 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है, पीछे कराया था। प्राइम मेरिडियन किसको कहा जाता है? तो यहां पर आंसर रहेगा ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन कराया था 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन नाम दिया जाता है, और 0 डिग्री देशांतर जो है ना वो जीएमटी वैधशाला से होकर के गुजरती है, लंदन के जीएमटी वैधशाला से, ग्रीनविच मीन टाइम से। तो हमारा आंसर रहेगा ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, तो किसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। क्वेश्चन नंबर 26, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं जाती है? तो मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं जाती है? तो फिलीपींस से नहीं जाती है। किससे नहीं जाती है? फिलीपींस से नहीं होकर के जाती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो अभी बताया था, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? क्वेश्चन नंबर 27, तो पीछे सॉल्यूशन के साथ में कर रहा था, कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है पृथ्वी, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो 1 घंटा होगा 60/4 बराबर होगा 15, 1 घंटा घूमने में 60/4 बराबर होगा 15 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, ठीक है। देखो तो ध्रुव कितने डिग्री के ऊपर है? 90 डिग्री के ऊपर। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री के ऊपर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। और किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो हमारा आंसर रहेगा अफ्रीका महाद्वीप से होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? तो कर्क रेखा जो होती है उसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, सही है। मकर रेखा जो होती है उसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो एक तो गलत यहां पर ये हो गया, ठीक है। तो क्या नाम देते हैं उसको? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दूसरा गलत हो गया। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, दिनांक रेखा भी करा के आया था आपको, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। दक्षिणी ध्रुववर्त, दक्षिणी ध्रुववर्त कह लो या चाहे अंटार्कटिक का कह लो उसको, ठीक है। आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा कराए थे ना आपको, तो अंटार्कटिक रेखा होती है 760 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहां पर दो गलत है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन रहेगा बी। कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो अभी कराए था 15 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। कितने डिग्री के बराबर होती है? 15 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन नंबर 32, कर्क रेखा कहां से होकर के नहीं गुजरती है? कर्क रेखा म्यांमार से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, चाइना से गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? नेपाल से नहीं गुजरती है। भारत के जो है ना 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम से होकर के गुजरती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, भूभाग जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम कहाँ पर है? तो वो है 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी, 30 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो भू धरातल है वो क्या है? अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 34, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अक्षांश और देशांतर दोनों समानांतर रेखाएं हैं? बिल्कुल नहीं है, दोनों समानांतर नहीं है। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ये सही है। दोनों एक दूसरे को क्या काटती हैं? लंबवत। देखो देशांतर इस प्रकार से होती हैं, उत्तर से जो है ना दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं, पश्चिम से पूर्व जो है ना अक्षांश इस तरफ खींची जाती हैं। तो एक दूसरे को क्या काटती हैं? लंबवत काटती हैं। तो ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, जहां दिन एवं
यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो कहाँ पर होते हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर। भूमध्य रेखा के ऊपर दिन और रात की जो अवधि होती है वो एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो आपको करा दिया है क्वेश्चन, सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट शहर है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित देशों पर विचार करें, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो कौन से देश से होकर के मकर रेखा गुजरती है, तो इन जो है ना चारों देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है, चारों देशों से, ऑस्ट्रेलिया से, नामीबिया से, ब्राजील से और चिली से होकर के क्या गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर है 38, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, तो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। किससे होकर के, मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 39, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं को कहते हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई तो देशांतर, साइड में खींची गई तो अक्षांश कहते हैं, तो भौगोलिक रेखा जाल क्या होता है, भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट क्वेश्चन है, 49th डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच में सीमांकन है। तो 49वीं समानांतर रेखा किस किस के बीच में है, अमेरिका और कनाडा के मध्य। और पूछ ले 38वीं समानांतर रेखा, तो उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। तो 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है, और 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के बीच, उत्तर और जो है दक्षिणी कोरिया के बीच में है, और 24वीं समानांतर रेखा पूछे तो भारत व पाकिस्तान के बीच में है। 24वीं समानांतर रेखा पूछे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।